Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया, please विराजमान हो जाइए. धन्यवाद अर्चना जी. लाइफ में रविवार और परिवार दोनों का होना बड़ा जरूरी है. बिल्कुल. सोचो अगर रविवार आ गया, हाँ. परिवार है नहीं किसी का, वो घर में बैठ के क्या करेगा? क्या? तो ऐसे में आदमी रविवार को भी ऑफिस चला जाता है कि हो सकता है वहां पे जाके परिवार बन जाए. जैसे हम, आप देखो, हम 10 सालों से ये शो चला रहे, एक परिवार की तरह ही है. और आज मैं अगर यहाँ पे हूँ सिर्फ आपकी वजह से, नहीं तो मैं हॉलीवुड चला जाता. मतलब अच्छा, परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले फैमिली से इंट्रोड्यूस होता है, हाँ. माँ बाप, दादा दादी, और अगर उसके माँ बाप ज्यादा एक्टिव हो, हाँ. तो उसके भाई बहनों से भी इंट्रोड्यूस करवा देते जल्दी जल्दी. लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, हाँ. पहले के बाद दूसरा बच्चा पैदा करना हो ना, तो पहले वाले को चॉकलेट लेने बाहर भेजना पड़ता है. और बच्चे होते मूडी, कभी कभी नहीं मानते. कभी कभी बच्चे को 10 रुपए दो बेटा, जाके चॉकलेट ले आओ. बच्चा बोलता है मेरा मन नहीं है. फिर बाप बोलता है मेरा तो मन है, मेरे लिए ले आ. ये चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे तो अब आए हैं, हाँ. पुराने जमाने में तो जब बच्चों का चॉकलेट डे होता था ना, माँ बाप का वैलेंटाइन डे उसी दिन हो जाता था. मौका ही नहीं मिलता था. पहले देखो, आप जॉइंट फैमिली होती थी, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, घर के सब लोग मिलके एक ही काम करते थे. अगर कोई म्यूजिकल घराना है तो बाप बैठा गा रहा है, एक बेटा हारमोनियम बजा रहा है, दूसरा तबला बजा रहा है, एक आध मंजीरे वाला बाहर का होता था. उसमें भी माँ आके कह देती थी, आपको नहीं लगता है मंजीरे वाला भी घर से ही होना चाहिए? अच्छा, कुछ फैमिलीज तो ऐसी होती है, अगर डॉक्टर है उस फैमिली में ना, तो वो शादियां भी डॉक्टर्स के बीच में करते हैं. अगर बेटी गायनोकोलॉजिस्ट है, हाँ. तो आगे वो शादी कर लेगी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ, हाँ. ताकि जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद पति को काम मिलना शुरू हो जाए. स्ट्रेटजी रहती है. अच्छा, जैसे संगीत के घराने होते हैं, डॉक्टर्स के परिवार होते हैं, ऐसे ही आज हमारे यहाँ पे एक ऐसी फैमिली आ रही है जिसमें सभी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं. चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द एवरग्रीन एक्टर मिस्टर राज बब्बर साहब, उनकी सुपुत्री मिसेस जूही बब्बर सोनी, और उनके सुपुत्र मिस्टर आर्य बब्बर और मिस्टर प्रतीक बब्बर. वेलकम 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 जूही जी, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है भाई, प्रणाम. जोरदार तालियां हो जाए बब्बर फैमिली के लिए. राज सर, पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. बड़ा अच्छा लग रहा है आपको एक साथ देख के. ऐसे लग रहा है बब्बर शेर अपनी फैमिली के साथ घूमने निकला है कहीं. आपको पता, अर्चना जी ने तो आज ऑडियंस से पैसे उठा लिए. क्यों? बोलती रोज फिल्म सिटी में तेंदुए कब तक देखोगे? आज मैं तुम्हें बब्बर फैमिली दिखाती हूँ. जोरदार ताली हो जाए बब्बर फैमिली के लिए. अच्छा राज सर, क्या कमाल लग रहे हैं आप, काले कपड़ों में, हैंडसम एज ऑलवेज. सर शुक्रिया, मुझे आज अपनी मर्जी से कपड़े पहनने को नहीं मिले हैं. क्यों? एक ऐसा होता है कि एक उम्र होती है जब हम बताते हैं बच्चों को आप ये पहनिए, हाँ. और एक उम्र अब ये आ जाती है कि बच्चे बताते हैं कि नहीं हम ये पहन रहे हैं, आप ये पहनिए. अच्छा. तो आज मेरी उम्र वो हो गई है कि इन्होंने जो कहा है मुझे वो पहनना पड़ा. अच्छा जी, जी. तो आपने इनसे कहा नहीं मैंने अपनी मर्जी से इतनी इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों को इंप्रेस किया है, तुम बताओगे मेरे को? थोड़ा मुश्किल है ना कपिल आजकल कहना. अच्छा, पिछली बार राज सर जयप्रदा जी के साथ आए थे, बड़े खुश लग रहे थे. नहीं मतलब आज बच्चों के साथ आए और भी ज्यादा खुश लग रहे थे. मतलब आदमी अपने बच्चों के साथ तो खुश होता ही है ना. सच बात तो यह है कि मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ कि कपिल जी ने आज हम सभी परिवार वालों को इकट्ठा कर दिया. सर हमारा सौभाग्य आप आए हैं और शुक्रिया. कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का. सर इससे पहले एक साथ आप फैमिली फंक्शन में जाते होंगे कभी कभार, बहुत कम मौका मिलता है ना क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं. जी मौका तो कम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पूछ लेते हैं भाई किस दिन आप लोग सब इकट्ठा होंगे. अच्छा, तो उसी दिन हम अपना जश्न मना लेते हैं. क्या बात है, चलिए आज भी हम जश्न ही मनाएंगे. बहुत बहुत स्वागत है. एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा सब परिवार हमारे शो में संभव है. Absolutely. आदमी सब परिवार आता भी है, सब परिवार देखता भी है. धन्यवाद. अच्छा वैसे तो हमने पूरी फैमिली को आमंत्रित किया था, सब आए हैं, बस आपकी धर्मपत्नी जी नहीं आई हैं.
तो उनकी मर्जी की ड्रेस नहीं तैयार थी कि आपको लगा कि उनके सामने बब्बर कहीं गरज नहीं पाएगा? अरे ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं सच में कहूं पाजी, यहां पर आने से पहले मैंने ये डेट देने से पहले मैंने अपनी वाइफ से परमिशन ली थी। अच्छा जी। हाँ, कि तुम देख लो ये दिन अलाउ करोगी शूट करना तो करते हैं। अच्छा जी। सो शी अलाउड एंड दैट इज व्हाई वाओ आई एम। आज मुझे इनकी एनिवर्सरी की तो खुशी है भी, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी कि मेरा क्रेज देखो आप। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसिज आर्या बब्बर, आपने इनको अच्छा साथ ही आई चेक करने भी शूटिंग पे जा रहा है कि कहीं और जा रहा है? अच्छा बंदे की मजाल नहीं होती वैसे, एनिवर्सरी हो और घर से बाहर निकल आए। हाँ भाजी। तो फिर आइए, जो आपने आज डैमेज किया है इसको हाँ। कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देने पड़ेंगे आपको। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर, मैं 3-4 दिन ले आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद हर। ओके। हाँ सर। कितने साल हो गए यार आपकी शादी को? सर 7 साल हो गए आज। 7 साल हो गए, वाह क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाजी। जूही के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि ये थिएटर टीवी फिल्म सब जगह बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और इनकी फिल्म फराज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा रही है। बहुत बहुत मुबारक आपको जूही। थैंक यू कपिल, थैंक यू। अच्छा आप टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और भूसान फिल्म फेस्टिवल में क्यों नहीं आई? वहां पे मेरी फिल्म थी। हाँ, मैं वही इसलिए तो नहीं आया कि इतनी बड़ी फिल्म थी और आपकी थी तो हमने कहा हम लोग नहीं आते तो बेहतर रहे। अरे सोनी साहब कहाँ हैं आज? सोनी साहब शूटिंग कर रहे हैं, मगर मेरी मदर इन लॉ आई है, सोनी जी को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता नहीं आपने लोगों की टिकटें कैंसिल करवा दी है। मेरी बुआ और फुफर जी दिल्ली से आए थे, जैसे ही पता चला हम शूटिंग कर रहे हैं सब टिकटें कैंसिल, दे आर सिटिंग देयर इन द ऑडियंस। हैं? अरे वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बाकी मेहमान जो कोई और है कि ये भी आपके रिश्तेदार ही हैं? एक्चुअली सेकंड रो में और थर्ड रो में मेरे थिएटर टीम के लोग। अच्छा अच्छा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इतने लोग आपके थे, हमें उधर बुला लेते आप, है ना, इतने लोग आप फिल्म सिटी में आए। जूही के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने उस इंसान को गिरफ्त में लिया हुआ है जो रोज टीवी पे आके बोलते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, जो बड़े बड़े मुजरिमों को गिरफ्तार करवाता है, वो इंसान इनकी गिरफ्त में आ गया। ये जो अनूप जी बोलते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, पहले से सतर्क सावधान थे कि शादी के बाद हुए हैं वो? वैसे तो शो जो रेगुलर हुआ है वो शादी के बाद ही हुआ था। अच्छा जी। हाँ। वाओ। अच्छा इनके मायके और ससुराल भी 5 मिनट की दूरी में ही आसपास। हाँ। मतलब ये कभी मायके आए भी तो अनूप सोनी उस समय भी सतर्क ही रहना पड़ता है। अच्छा नॉर्मली कभी कभी होता है ना, हम साथ में कभी पार्टी पे जाते हैं तो पेरेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ जी। बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, फिर माँ बाप को खींच आती है। आपके साथ भी ऐसा होता है? होता तो है लेकिन अक्सर बच्चे जल्दी रेडी हो जाते हैं। अच्छा यहाँ उल्टा है? हाँ। नहीं मुझे वक्त लगता है सर। अच्छा तुम्हें लगता है? मुझे वक्त लगता है सर। किस चीज का वक्त लगता है? बटन तो आज आपने अभी भी नहीं लगाया। ये एक्चुअली लुक था सर। नहीं बहुत अच्छा लुक है यार, कमाल की बॉडी बनाई है सर। ये एक्चुअली खलनायक इंस्पायर्ड है। अच्छा जी। ऐसा था ना संजू जी का ड्रेस, उसमें दिल दिल बने थे, दिल विल थे। तुम बैक स्टेज तो कह रहे थे पापा के कॉस्ट्यूम से इंस्पायर्ड है यहाँ तुम। हाँ, मतलब वो अंदर बोल रहा था। मैंने बहुत कमाल लग रहे हैं आप। अच्छा राज सर, आप फिल्मों में इतने एक्सपीरियंस हैं, जब घर पे गुरु समान पिता हैं आपके, आप इतनी फिल्में कर चुके हैं, ये तीनों जब बच्चे आपके फिल्म कोई साइन करते हैं, आप लोग पापा से सलाह लेते हो किस सवारी अपने सवान की? आप खुद स्वयं जिम्मेदार है, मतलब अपना अपना देखो पापा ने क्या रखा है। मैंने हमेशा एक बात इनसे कही है, देखो कोई भी एक्टर अगर ये सोचे कि मेरे कहने से आप ये रोल कीजिए जी, तो शायद कभी कभी होता है कि एक्टर को खुद पता होता है कि मैं किस रोल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, राइट, और मैं किस तरह का रोल मुझे करना चाहिए। और कोई भी एक्टर कहानी सुनता है तो उसको अपना एक तसव्वुर करता है, ख्याल करता है कि ये करेक्टर मैं उसको देखना शुरू कर देता है, उसके साथ चलना शुरू कर देता है, राइट। तो यही बेसिक होता है कि उस वक्त तैयार होता है एक्टर कि मुझे ये रोल करना चाहिए, राइट। तो ये खुद तय करते हैं और कभी कभार कोई ऐसी बात होती है, अड़ जाते हैं, कुछ बात होती है तो पूछते ज़रूर हैं, लेकिन मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता। पर राज सर, जैसे आप तो हीरो ही आए हैं हमेशा फिल्मों में, विलन भी आप बड़ा अच्छे बन जाते हो, बीच में जब आपने पद्मिनी कोल्हापुरी को आओ ललिता डराया आपने, मतलब देख के लगा था कि ये क्या हो गया राज साहब को, तो आप तो मैंने देखा हर चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो एकदम से हीरो से विलन, फिर विलन से हीरो। दरअसल मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं विलन कर रहा हूँ। अच्छा जी। मैंने हमेशा जो मुझे किरदार मिला और जो वक्त मिला और जहाँ मुझे मिला, जिस तरह से मिला, आज देखिए आप तो सिर्फ ये सवाल करते हैं कि आपको कपिल शर्मा शो में आके कैसा लग रहा है, आपको नहीं लगता आपको पहले आना चाहिए था जी। ये सच है कि इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि कपिल शर्मा का शो वाकई एक ऐसा शो है जिसमें मुझे उसकी सुननी चाहिए। अच्छा जी। और मैं सुनता हूँ, मैं ऑनेस्टली
क्योंकि रोल की डिमांड भी उसका ड्यू होता राइट और अगर जिस एक्टर ने ये पकड़ लिया कि मुझे मेरी डिमांड इस वक्त क्या है मेरी सीन की डिमांड क्या है क्या मुझे यहाँ परफॉर्म करना है तो भूल जाता है कि मैं विलन कर रहा हूँ या मैं हीरो कर रहा हूँ पर आपने जो भी किया कमाल का किया सर क्या बात और इन सब की दुआओं से और आप सबकी दुआओं अच्छा जब इन्होंने खतरनाक कैरेक्टर किया जैसे आंखें में याराना में दलाल जिद्दी तब बच्चों ने कहा नहीं कि पापा ऐसे रोल मत किया करो हमारे दोस्त घराने से डरते हैं इन्होंने बोला नहीं कभी आपको शक नहीं हुआ कि अभी तो पापा हंस खेल रहे थे गाने गा रहे थे अभी पापा दुपट्टे खींच रहे हैं आपको कभी मतलब लगा नहीं मुझे डर लगता है कि ये इस तरह की चीजें अब ना करना शुरू कर दें नहीं नहीं आप ये देखिए हमारी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी पापा ने ऐसे रोल्स किए तब भी हम लोग कितने शरीफ ये देखिए आप अच्छा कुछ आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने हमें कोई सवाल भेजे हैं आप सबसे रिलेटेड वो ऐसा चाह रहे थे कि मैं आपसे पूछूं आपसे सवाल है तीनों बच्चों के बारे में स्कूल टाइम में ये तीनों में सबसे ज्यादा शरारती कौन है जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती थी मुझे नहीं कहना चाहिए जी बाबा नजर आ जाता है कि कौन शरारती रहा हो क्या दीदी आप कहने की जरूरत नहीं है ये आज तक जो है सुधरा नहीं है अच्छा और बहुत ईमानदारी से झूठ बोलता था अच्छा इसके अंदर वो हाथ कैसे जोड़ रहा है जैसे इलेक्शन जीत गया धन्यवाद मान ही नहीं करीता जी बस और रहा प्रतीक का सवाल प्रतीक जिस स्कूल में जाता था कोशिश ये करता था मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊं क्यों दरअसल पढ़ने में बहुत होशियार था तो स्कूल की पढ़ाई से मैच नहीं कर पाता था तो इसको लगता था मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है तो उसको छोड़ने की कोशिश करता था ये बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता था मे बी एकेडमिक्स इसको पहुंच नहीं पा रहे होंगे इसके पास हमारा एजुकेशन सिस्टम इनके वेवलेंथ से मैच नहीं कर पा रहा से थोड़ा मतलब नीचे ये नीचे थे या वो ऊपर था कुछ ऐसा जी बाकी रहा जूही का सवाल तो जूही के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इसने कोशिश ये की कि अच्छा पढ़े पढ़ी भी लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में जाती रही फिर ये इसने निफ्ट किया फैशन डिज़ाइनिंग की और उसके बाद में मुझे लगा ये फैशन डिज़ाइनर बनेगी फिर इसने लगा इसको कि नहीं मैं फिल्मों में जाऊँगी फिल्मों में जाने का फिर नहीं नहीं मैं थिएटर करूँगी अच्छा तो अब चलो ठीक है फिल्में और थिएटर दोनों कर रही है थैंक्स टू ईमान मेरा बॉस मतलब मेरा नवासा जो है बॉस ही कहता हूँ मैं उसको उसकी वजह से अब ये थोड़ी सेटल हो गई है अब फिल्में भी कर रही है और थिएटर भी कर रही है तो जूही ये अभी आपका ये फाइनल है जो आप कर रही हैं कि इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकती हैं देखो करते रहना चाहिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बहुत अच्छी बात आई मीन फिल्में कम कर दी थी थिएटर ज्यादा कर रही थी अब फिर से फिल्में कर रही हूँ देखते हैं आगे क्या है बहुत अच्छी बात है आपकी और अर्चना जी की बहुत बनेगी जैसे ये फिल्में भी करती हैं टीवी भी करती हैं ये गोटे का काम भी बड़ा अच्छा जानती है दुपट्टों पे अभी रिसेंटली इन्होंने मेहंदी लगाने का काम भी शुरू किया प्रतीक स्कूल में क्या चीज थी जो आपको तंग कर रही थी सर पढ़ाई So honest. क्या मतलब ईमानदार वाला आंसर है कितना ईमानदार आदमी ईमानदार ही हूं सर मैं बचपन से ईमानदार हूं सर अच्छा मेरे को भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी प्रॉब्लम ये थी मेरे पिताजी को स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी आती थी तो वो मेरे पे आजमाते थे फिर तो मेरे को फिर जबरदस्ती स्कूल भेजते थे जितना मर्जी भेज लो आया मैं फिर इस लाइन में मैंने कहा जितना मर्जी सोच लो माँ बाप खुद सोच लेते ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा मैंने कहा डैडी आप बने कभी अब दाल और चावल मिक्स करेंगे खिचड़ी बनेगी ना हाँ। पिज्जा तो बनेगा नहीं तो उस हिसाब से अच्छा सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता तीनों बच्चों में से जूही इज नॉट लुकिंग सब उनको छोड़ दीजिए मुझे ही कम आता है मुझे ही कम आता है कम आता है पाजी ये सच बात है ये सबसे ज्यादा प्यार यही करते हैं हाँ। तो ये बताएंगे नहीं पर ऐसा होता है पता है हाँ। बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता हाँ, है मेरे पिताजी थे ना राज सर मेरी बहन को सुबह स्कूल उठाना ना तो सोई होती थी उसके पैर दबाने अरे मेरी बेटी मैं कहा सोते सोते थक गई है अच्छा उसके पैर दबाने फिर इसको बिठाना और फिर उसकी आंखें बंद बंद में दूध का गिलास और हमारी रजाई तो ऐसे उठाते थे जैसे पुलिस वाले नहीं उठाते सड़कों पर सोए लोगों को उठो ये भी नहीं देखते थे मुंह किस तरह है बच्चों का ऐसे हमारे साथ होता था
वो भी मतलब ही निकली, बड़ी होकर शादी करके चली गई. मैंने कहा आपको हम ही आकर पर बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है, ये तो सच है. हाँ. लड़कों के साथ बहुत गलत होता है. हाँ पाजी, सही है. आपको फिर बचपन में लगता था कि जूही को बड़ा प्यार मिलता है? हाँ पाजी, लगता तो बहुत था. क्या किया आपने, विद्रोह किया कभी इसके? किया था पाजी, विद्रोह करने की कोशिश मार पड़ी फिर. वो तो कहीं और से जाने दो, एक जगह से बहुत ज्यादा पड़ी. बट वी ग्रू अप टू लविंग आवर सिस्टर. या यू बेटर, एब्सोल्युटली यू हैव अ चॉइस. तो जब आर्य ने शादी की तो मिलाया था जैस्मिन को आपसे? ऑफ कोर्स. हां, ऐसे कैसे, सबसे मिलाया, मिलाना पड़ेगा. हां तो हम ऐसे टिक मार्क करेंगे तभी तो होगी. ओह माय गॉड. तो जब आपने अनूप सोनी जी से, अच्छा आप सोनी टीवी पे हैं, ये तो आप ही का चैनल है आज. तो आपने अनूप सर को मिलाया था आर्य से? क्या आपने जरूरत नहीं समझी? नहीं नहीं, मैंने भी मिलाया था आर्य से भी, प्रतीक से भी. अच्छा, और राज सर से नहीं? बाद में ना, पहले इन दोनों से. अच्छा सर, हम लोग अनूप जी के लिए लड़े भी थे पापा से. तो धीरे धीरे आपने एमएलए अपने अंदर किए, फिर एमपी के पास पहुंची. कौन ज्यादा पार्टी का शौकीन है आप तीनों में से? सब मेरी याद दिख रहे. सब मेरी तरफ देख रहे. मैं तो कुछ बोला, आपके टैटू वैटू देख के आप ही की तरफ लग रहा है, सारा शक आप पे जा रहा है. जी मैं सबसे यंग भी हूँ. हाँ, सबसे छोटा हूँ मैं तो. आई थिंक वो जनरेशन का होना भी चाहिए सर, क्यों ना करें. हाँ नहीं, अच्छी बात. लेकिन सर अब पार्टी कर कर के छोड़ चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं. अब मैं घर पे बैठता हूँ, शो देखता हूँ. तो ये पार्टियां वटी जो आप छोड़ चुके हैं, जी जी, कितने साल तक की फिर? सर बहुत साल की. इसका तो इसका एक बड़ा फनी किस्सा पार्टी का. बताओ बताओ बताओ. अरे यार बहुत फनी किस्सा था यार तेरा. मैं छोटा था, लाइसेंस की उम्र नहीं थी मेरी. हाँ. लेकिन मुझे गाड़ी चलानी थी. अच्छा. तो मैं गया पापा के पास पूरे स्वैग में, मतलब कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए. लाइक बदतमीज, 13 साल के हो तुम. लाइक तो क्या हो पापा, मुझे चलानी, चाबी कहाँ है? यहाँ, मैं चाबी देता हूँ. अरे पूरे पूरे हार यहाँ जी पापा. कान पकड़े जोर से, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है. तो मतलब वही था ये. इसमें इसने बहुत सेंसर के लिए कान खींच के जो इसका ये किया था ना. हाँ, तो उसका पूरा स्वैग था वो ऐसे टूट के. हाँ, जो ऐसे मतलब हुआ था ना, वो जो मैं छाती फूल के गया था सर, वो पूरी मतलब वो इन्फ्लेट हो गया मैं. मुझे अपना किस्सा याद आ गया. मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो और उनका एक दोस्त, जिप्सी होती ना सरकारी, वो आए और उन्होंने घर के बाहर लगाई. डैडी और दोस्त उनके अंदर चले गए. वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि थोड़ा मस्त थे. कुछ मैं बर्फ बर्फ रखी और धीरे से चाबी उठा ली जिप्सी की. How old मैंने अड़ाल रख के, मैं होऊंगा कोई 15-16 साल का. अच्छा. तो मैंने पता नहीं क्या किया कि वो आगे की चल बजाय पीछे चलनी शुरू हो गई. तो पीछे सब्जी की रेडी वाला था, तो खड़क करके टकराई, लौकियां उड़े हवा में. डैडी भी बाहर आ गए. अच्छा ये फिल्मों में ही होता है, कोई बच्चा गिर जाए, माँ बाप आते ना, अरे आई ओके, हमारे नहीं, हम उन्होंने हमें पूछा नहीं. मैं सब्जियां उठाऊं बाहर निकल के, क्या करूं, मेरे सब्जियां उठाते उठाते पड़ रही हैं और टांग लाए काफी. पूरे मोहल्ले ने देखा. पर हाँ वो माँ बाप समझाते ना, आदमी उस समय समझता नहीं है बच्चा. फिर जब धीरे 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 हमारे साथ खुद ऐसे वाकयात होते हैं. वो सही कहते हैं ना बुजुर्ग, कहते हैं कि यार मछली जो होती है पत्थर चाट के वापस मुड़ती है. हाँ. तो वही होता है, सब पे लागू होती है ये बात. दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है, हर माँ बाप को ये चीजें झेलनी पड़ती हैं. और होता क्या है कि बच्चे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ में उनको जब देखते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो गए थे, गाड़ियां चलाते थे, और इसने आके मुझे बड़े बड़े एक्टरों के बच्चों के नाम गिनाना शुरू कर दिया. उसका बेटा ये चलाता है, इसका बेटा ये चलाता है. उसका उसके पिताजी अपने बेटे के लिए ये करते हैं, बेटे उसके लिए वो करते हैं. आप रे इतना इमोशनल ब्लैकमेल है. मतलब मेरे ऊपर ऐसा हो गया कि अब तो मुझे इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा. उस दिन के बाद से धीरे धीरे इसको समझ में आना शुरू हुआ. उतनी जल्दी समझ में नहीं आया जैसे बोलता है ना ये पार्टियां करता था, क्योंकि उस वक्त ये पार्टियों के मूड में था. अच्छा. और पार्टियां ज्यादा करता था तो मेरी बात कम समझ में आती थी. लेकिन जब पार्टियां धीरे धीरे इसने कम कर दी और जब बात समझ में आई, तो शायद आज कोई इस बात का एहसास करता है. और मुझे खुशी है कि इसने खुद इन बातों को रिवील किया कि मैं जो पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया है, और उसकी वजह से आज इसकी इंडस्ट्री में इज्जत है. हाँ. और ये अच्छा काम भी करने लगा. बहुत बहुत कमाल का काम किया. रियली आई एम हैप्पी. और बहुत जरूरी होता है कपिल साहब की, जैसे हम छोटे छोटे शहरों से निकल के आते हैं जी, जैसे मेरी माँ कहती है आपके बारे में, बहुत बीबा मुंडा है.
अच्छा तो मैंने दो तीन बार सुना, मैंने कहा हाँ चाहे तू देखती है शो, नहीं साढ़े अंबर सरदा है। तो मुझे लगा कि 80-85 साल हो गए हैं मेरी माँ को अमृतसर छोड़े हुए, फिर भी लेकिन उसके बाद भी यह कहती है कि साढ़े अंबर सरदा है। आप अमृतसर को छोड़ सकते हो, अमृतसर आपको नहीं छोड़ता कभी। मैं देखिए समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग निकल कर जब आते हैं ना, खुद ही सीखते हैं, खुद ही अपने रास्ते तय करते हैं। और इन दोनों बच्चों ने क्या, इन तीनों बच्चों ने अपने रास्ते खुद तय किए हैं। क्या बात, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आज के दिन आपके शो में आया हूँ तो मुझे कहने का मौका मिला है कि आई एम ए प्राउड फादर, आई हैव ऑल माय चिल्ड्रन, दे हैव ऑनेस्टली कि दे हैव ग्रोन अप, दे हैव रियलाइज्ड एंड दे आर डूइंग देयर वे, व्हाटएवर द बेस्ट दे कैन डू दे आर डूइंग। तुमको हेलो नहीं बोलूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आज तुम बात मत करना मुझसे। ओके वेरी गुड। तो राज सर मैं ये कह रहा था एक सेकंड, जब कोई नाराज होता है ना तो उसे मनाया जाता है, पूछा जाता है कि वो नाराज क्यों है। मैंने एक बार पूछने की गलती की थी कि सड़क पे खड़ी थी, रो रही थी, कहती मेरा एक भी सहारा नहीं बिका सुबह से, मैंने तरस खा के खरीद लिया, वही बांध दिया मेरे सर पे, तब से बंधी हुई है ये। मैं नहीं पूछता शर्मा जी, सबसे ये लिपस्टिक का दाग कहाँ से आया है? Oh my God. ये तो मेरा नहीं है, तो किसका है और कहाँ से आया? तो शर्ट पे लिपस्टिक का दाग नहीं आएगा तो क्या लिपस्टिक पे शर्ट का दाग आएगा? ये आप अपने पिताजी से पूछिए, वो मेरी शर्ट पहन के पार्क में गए थे। पापा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनेंगे? अरे वो तो तुम्हारी माँ की साड़ी पहन रहे थे, मैंने रोका उनको, मैंने बोला ये पहन के जाओ बुरा लगता है। ये ऐसी बातें करता है मेरे पापा के बारे में, और एक मेरे पापा है जो इसकी खुशियों के लिए रोज बेचारे वो नंगे पांव मंदिर तक जाते हैं रोज। अच्छा एक उनका टैलेंट है, जाते नंगे पांव में वापस आते जूते होते पैर। इतने एक्सपर्ट हैं, लेडीज हील पहन के भाग लेते हैं इनके पिताजी, और एक दिन वापस आए पैरों में तो जूते थे ही, हाथों में भी थे, ऐसे करके भाग गए। जूही दी ये मेरी शादी वाले दिन आपको देखना चाहिए था, मतलब मेरे परिवार वाले इसके पीछे, दामाद जी खाने में कमी तो नहीं, अरेंजमेंट में कमी थी, मतलब इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और जिस चीज में कमी थी वो पूछा नहीं, उसको चुपचाप घूंघट में छुपा के मंडप पे बिठा दिया, वो बताया नहीं, झूठी कहेगी। अर्चना मैम आप क्यों हंस रहे हो? सॉरी बिन वेरी बैड कपिल, या एक्चुअली क्या कमी है मुझमें? हां देखो खूबसूरती के मामले में मैं जूही दी से कम नहीं हूं। शी इज वेरी प्रिटी, कम की ज्यादा है, बहुत सुंदर है। कहां जूही, कहां ये लखनपुर की चूही। खबरदार हमारे मेहमानों के साथ ज्यादा फ्रैंक हुई तो चूही चूही कर रहा है, खुद इस चूही के बाल में गजरा लगा चुका है ये। मैं तो पिंजरे में रोटी भी लगाता था, वहां तो फंसी नहीं तू। है गजरा जाल है, गजरा मैं इसलिए लगाता था ताकि जाती हुई तो खूबसूरत दिखे। आगी तंग करने। आपके पति हैं अनूप सोनी, कितना प्यार करते हैं आपसे, और ये है इसके मुंह से तारीफ नहीं निकलती कभी। एक दिन मैंने सोचा था तारीफ करूंगा, उस दिन ड्राई डे निकला। Excuse me? कोई बंदा किसी इन्फ्लुएंस में आके झूठ बोलता है? वैसे मैं झूठ नहीं बोलता। आप अनूप जी को बोलिए ना क्राइम पेट्रोल पे एक एपिसोड बनाए, वहाँ पे दिखाए कि पति पत्नी को कितना परेशान कर सकता है। एक और एपिसोड बनाइए कि मासूम इंसान के घर पे एक औरत आई और साथ में अपने माँ बाप को ले आई, एक जोड़ी माँ बाप, और ये 2 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं। फ्रॉड कहीं के ये। बिंदु 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 तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? ये माँ देख लो, लेडीज कुंभकर्ण आ गई है उठ के। बिंदु तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर देख, तेरे पापा जी ने मिश्री समझ के फिटकरी खा ली। तो चलो फिर डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे रुको रुको, अरे उन्हें तो इतनी टेस्टी लगी और मांग रहे हैं। मम्मी गेस्ट आए। राजी, अरे राजी राजी। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। राजी मेरे राजी, चिमटी काट। चिमटी से कुछ नहीं होता, स्क्रू ड्राइवर मार इनको। आज कम से कम ऐसी वैसी कोई बात मत करो प्लीज। राजी मैं आपको 40 साल बाद देख रही हूँ और आप वैसे के वैसे ही हैं। तुम जानती हो राज सर को? जानती हूँ, कॉलेज में साथ ही में तो थे, है ना?
मैं याद दिला रही हूँ आपको. कहाँ गया? ये देख राज जी का पर्स. मम्मी ये तुम्हारे पास कैसे आया? कैसे क्या आया, कॉलेज का लास्ट डे, इन्होंने मुझे गुलाब तो दिया ही नहीं. तो मैंने कहा इनकी निशानी के तौर पे मैं क्या चीज अपनी किताब में रखूं, तो मैंने इनका पर्स निकाल लिया. सॉरी सर, तुमको शर्म नहीं आती पर्स निकालते हुए? अरे निकालना तो मैं इनके गले की चेन चाह रही थी. लेकिन क्या हुआ, इन्होंने मुझे गले लगने ही ना दिया. वैसे राजी, आज आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चल रहे हैं. आपको शर्म नहीं आ रही उनके बच्चे यहाँ बैठे हुए ऐसी बातें कर रही हैं? अरे तो बच्चों को शर्म आनी चाहिए ना, मम्मी पापा फ्लर्ट कर रहे हैं यहीं बैठे. अरे इन बच्चों को चाहिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं. अरे ये भी तो यहीं खड़ी है. ले बता, जब इसे शर्म नहीं आ रही तो मुझे शर्म कैसे आएगी? अरे मैं तो इसी पे गई हूँ. मम्मी बेटी अब कहाँ पे जाती है? ये अगर मेरे पे गई होती तो इसका पति इसके आगे पीछे लट्टू बन के ना घूमता. जैसे तेरे पापा मेरे आगे पीछे लट्टू बने घूमते हैं. लट्टू नहीं, इतने बड़े निखट्टू है. मैं क्या बताऊँ आपको अर्चना जी, उस दिन पानी लेके ना इतना बड़ा बाल्टी उसे मशरूम भिगो के बैठा रहा सारी रात. कहता जब ये सुबह फूल जाएंगे मैं छाता बना के बेचूंगा. ये हरकतें करते हैं ये. दामाद जी वो सब बातें मत करो आज. अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं और राज जी आगरा में एक साथ घूमा करते थे. और इन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, और बना दिया. कहाँ बनाया? अरे बेवकूफ बना दिया मुझे. अच्छा सुनो जूही, आर्या, प्रतीक, अपने कानों पे जरा हाथ लगा लो बेटा. ऐसे ऐसे. अच्छा अच्छा चलें. मुझे इनसे कुछ बात कहनी है. हाँ जी कर लो. राजी आप मुझे ऐसे कागज पे आई लव यू लिख के दीजिए ना प्लीज, जिस पे गांधी जी की तस्वीर हो और 2000 लिखा हो. मम्मी अरे 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 इसीलिए तो घुमा फिरा के मांग रही थी तूने. तो बहुत हो गया, तुम अंदर चलो. तुम ना नाक का राज मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी बाबूजी. तुम अंदर चलो मैं राज के बगैर नहीं जी पाऊंगी. राज राज चलो अगला मेरी जिंदगी है. राज मेरी जिंदगी है. राज तो शी बिकेम सिमरन इन द एंड. सॉरी सर ये ऐसा ही हमारी फैमिली क्या करेगी. अच्छा आर्य जो है वो एक्टर तो है ही, इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है और अभी हाल ही में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है. yeah. पिल है के मानता नहीं. तो ये इन्होंने लिखा तो खुद है ही, उसमें एक्टिंग भी खुद की है, उसको डायरेक्ट भी खुद किया है. wow. तो दूसरों पे आपको भरोसा नहीं था? किसी और को पैसा देने का मन नहीं कर रहा था? क्या कहानी है? देखिए शॉर्ट फिल्म के बजट बहुत छोटे होते हैं सर जी. तो जब एक्टर कास्ट करने गया मैं, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इसमें एक्ट करूंगी. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको डायरेक्ट ही करूं. और मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है. इसकी मैंने ठीक से की. न्यूयॉर्क में पढ़ाई लिखाई की. अच्छा वाह. जो मैंने डिसाइड किया करते करते कास्ट ढूंढने गए तो बजट बहुत बढ़ता गया. देन माय वाइफ वाज लाइक इतना ही बजट है तुम ही एक्ट करोगे. मैंने कहा ठीक है. अच्छा दैट वाज इट. तो मतलब वाइफ तभी से बजट आपका कंट्रोल कर रही है? सर वो प्रोड्यूसर है. अच्छा प्रोड्यूसर ना भी होती तब भी कंट्रोल कर लेती है. यार मेरा बड़ा मन है कभी कभी पता है स्क्रीन प्ले का कुछ ऐसे जाके सीख के आऊं. नहीं फिल्म स्कूल से सर बिल्कुल करिए. बहुत बहुत मजेदार कोर्स होता है. आई विल कम अलोंग विद यू. रहने दो आप अपनी टिकट खुद खर्चना. मैं मेरा भी टिकट खरीदूंगी यार. एक्टिंग के अलावा प्रतीक ने ब्राजीलियन जुजुत्सु एक नाम की चीज होती है, मैंने भी पहली बार सुनी है. वो फाइट होती है एक तरीके की, उसमें मतलब ब्लू बेल्ट जीती इन्होंने. इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपके पैसे फंसे हुए थे कहीं तो प्रोड्यूसर दे नहीं रहा था आपको पैसे क्या? सर मार्शल आर्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. एक्चुअली एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, अलग फॉर्म है. कुश्ती की तरह ही समझो आप, ब्राजीलियन कुश्ती.
वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस है सर. तो इसके जो वीडियोस है इसके ट्रेनर के साथ, उसमें इसका ट्रेनर इसको पकड़ के हमेशा मारता ही रहता है. बहुत मैं से पूछता हूं तू पैसे इसको किस बात के. बात तो सही है, टेक्निकली मैं इनको पैसे दे रहा हूँ मेरी पिटाई करने. मुझे भी स्कूल में बड़ी बुरी बात लगती थी जब मेरे मैथ के टीचर जब देखो मुर्गा बना लो, मैं कहा घर पे बंजिया करेंगे हम, इनको क्यों पैसे देते हैं. मैंने जब अर्चना जी को बताया ना, मैंने कहा आज बब्बर फैमिली आ रही है और प्रतीक ने ब्राजीलियन जिस्सू वो किया हुआ है, कहती एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना. मैं कहा इनको लगा कोई पास्ता वगैरह होता है. तू पहले जुजित्सु बोलना सीख ले. जुजित्सु यही. कभी ऐसा हुआ राज सर आपके पास कोई ऐसे आया हो कि सर एक जर्म है कहानी का, वन लाइनर है तो मैं बना रहा हूँ, आया हो इस बहाने से कि नरेशन देने आया हूँ, बाद में बोला हो सर एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिला दो. ऐसे करैक्टर मिले आपको कभी? मैंने कभी ये सोचा अगर कोई मेरे पास उम्मीद लेके आया तो मेरा काम सिर्फ ये होता था लेटर देना, और उसने कहा था फ़ोन कर दो, मैंने फ़ोन कर दिया. वो उसकी तकदीर है कि अगर उसको मिल गया पेट्रोल पंप तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भैया ये होता है भाई देखो मैं उस बंदर की तरह हूँ, पेड़ तो कूदा था. ये कहानी सुनी आपने ना, ये बड़ा वो बंदर वाला किस्सा राजा ने याद दिलाया. एक बंदर को राजा बना दिया गया. अच्छा. जब वो राजा बन गया, हाँ. जीत गया, तब सबको उम्मीद हुई कि भाई वो शेर जो है वो तो अब कोने में बैठ गया. तो एक बकरी आई, कहती कहती साहब मेरे बच्चे को उठा के ले गया भेड़िया, उसको मार देगा. तो कहता कहाँ है? बोले अब वो शेर के पास जाके डाल दिया, फेंक दिया उसने. तो इधर से उधर, उधर से उधर, सारा जंगल बंदर ने कूद कूद के छोड़ दिया. तो कहता मेरे बच्चे को खा गया. बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो देखो हर जगह कूदा, पसीने पसीने हो गया. भाग दौड़ तो की मैंने, भाग दौड़ तो मैंने की है. अब तुझे मिला नहीं मिला, बच्चा बचा के नहीं बचा, इसमें मेरा क्या कुछ. तो भाई मेरा हाल ये था कि मैंने कभी किसी को दस्तखत करने में कमी नहीं की, फोन करने में कमी नहीं की. हाँ कुछ लकी लोग ऐसे होते थे उनका भला हो जाता था, कुछ नहीं होते थे वो मुझे बुरा नहीं कहते थे, कहते थे पसीना तो छुड़ाया इसने. हमारा राजा कैसा हो, हमारे बादशाह जैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, हमारे सहजादा जैसा हो. एक दो तीन चार, बादशाह की जय जयकार. फाइव सिक्स सेवन एट, हमारा सहजादा सबसे ग्रेट. नौ दस ग्यारह बारह, बादशाह जी आएंगे दोबारा. तेरह चौदह पंद्रह सोलह, हमारे सहजादा प्रॉपर पटोला. प्रॉपर पटोला, प्रॉपर पटोला. अरे वाह वाह वाह, आज बब्बर जी के साथ पूरा टब्बर भी आया है. भाई हम अपनी रियासत में आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको हमारा सलाम. सलाम सलाम, आपको हमारा शाही सलाम. शाही सलाम तो ठीक है, आपको हमारा मुगलई सलाम. मुगलई सलाम, आपको हमारा कढ़ाई सलाम. कढ़ाई सलाम, आपको हमारा, आपको हमारा तंदूरी सलाम. ये क्या चल रहा है, ये तुम लोग ढाबे से है, ढाबे के महाराज हो? ये तो मुझे लग भी रोटियां लगाने वाला लग रहा है. ये क्या चल रहा है ये सब? हमारी रियासत में इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हैं जी, और हमारे साहबजादे और हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं. और हम ही जीतेंगे क्योंकि ये ज्यादा देर तक खड़े रह ही नहीं सकते. ये देखिए मैं मेरी बात सुनो, आप लोगों का बहुत हो गया, बाहर जाके फटाफट जाके किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ. चलो क्या कर रहे हैं आप, मेहमानों को तंग कर रहे हैं आप. अच्छा ये क्या बात हुई भाई, सारी दुनिया यहाँ पे प्रचार करने आती है, हम जो यहाँ के हैं वो बाहर जाके प्रचार करें? ऐसे थोड़ी चलता है भाई, हम अपना प्रचार तो यहीं पे करेंगे. राज बब्बर जी आप हमें सपोर्ट कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, आप हमें सपोर्ट. हम आपसे वायदा करते हैं आपकी जितनी भी फिल्में, आपकी सारी फिल्में अपनी रियासत में हम फ्री में चलाएंगे. फ्री 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 फ्री, क्या बात है. फ्री कहाँ चलाएंगे, थिएटर में पर्दे है ही नहीं, कहाँ चलाएंगे. ये आवाम को फिल्म दिखाने के लिए रोज रात में भाड़े पे अपनी लुंगी देते हैं. फ्री. अरे भाई लेकिन ठीक है, इसमें क्या गलत बात है आप ही बताइए, रात को सोना ही तो होता है, फिर लुंगी का क्या काम. दे देते हैं. अब्बा हुजूर आपको नींद में चलने की बीमारी है. आप जानते नहीं है पूरी सल्तनत के पास आपकी वायरल वाली तस्वीरें हैं. एकदम
राज बब्बर जी देख रहे हैं आप? वो कहाँ से देखेंगे, उनके पास तो अभी तक पहुंची ही नहीं। अरे रुक ना यार। वो देखने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे देखिए और ये हमारी औलाद देखिए। आपके बच्चे आपकी लेगेसी संभाल रहे हैं, ये हमारी जरा सी प्राइवेसी भी संभाल नहीं। काश इस चूही जैसे बेटे की जगह हमारी जूही जैसी एक बेटी हो। अब्बा हुजूर, जूही जैसी बच्ची के लिए बाप भी राज बब्बर जैसा होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? बब्बर साहब, ये हमारे बाप हैं। ये उस दिन फुटपाथ पे खड़े थे, कोई पीछे मुलिन बस अड्डा लिख के चला गया। महाराज, ऐसा क्यों लिखे थे बोलो? हर चीज के बारे में क्यों जानना है आपको इतना? हम हैं थोड़े से मोटे, तो एरिया के हिसाब से लिख जाते लोग कुछ कुछ। बात जरूरी नहीं है भाई, आपके यहाँ पर बैठे हैं आर्या और ये हमारे एक बेटे हैं। ये ना कहीं से आर्या ना कहीं को जारिया, बस यहाँ पर खड़ा खड़ा हमारी नाक कटा आर्या। आप ना पीछे हट जाइए, वरना हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे आपको। अब्बा हुजूर, हम आपके पैर के नीचे आएंगे ही नहीं। महाराज, वो आपको हाथी कह रहे हैं? पता है हमें। ये बात हम समझ गए, ये भी समझ गए, हर बात अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। बब्बर साहब, हम भी इनकी प्लानिंग समझ गए। ये हमसे झूठ बोलते रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि हम तुम्हें गद्दी देंगे, इन्होंने साइकिल तक पे हमें गद्दी नहीं दी। हम खड़े खड़े साइकिल चलाते थे लेकिन थक जाते थे, बैठते नहीं थे, क्योंकि हमको डर था कहीं बैठ जाके तो हमारी छोटी सी सल्तनत उजड़ ना जाए वहां। गद्दी बात, कितनी गद्दी बात की है आपने अभी। गद्दी बात। और हमसे ना ये सब बातें मत कीजिए, पहले देखिए आपने अपनी टाई पहनी कहाँ है। Oh my God! भाई आप लोग हमें वोट दीजिए, हम कह रहे हैं आपसे हमें वोट दीजिए। हम पूरी आवाम को ऐलान करते हैं कि गांव के हर घर में जो है बिजली आएगी। अरे वाह, क्या बात है, इसे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। कलाम भाई, चलिए सलीम भाई का सपोर्ट करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी आप लोगों से वायदा करते हैं कि घर घर में बिजली तो आएगी, यही बिजली आपके घर घर में नाचेगी भी। अरे वाह, क्या बात है कलाम भाई, चलिए उधर चलते हैं, डांस देखेंगे। लेकिन बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा? अरे हमारी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। चलिए चलो डांस देखेंगे। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, लोग नीचे ना कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं जी। आजकल मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लीज। ये राज सर ने फोटो डाला है, हैप्पी बर्थडे टू डियर फ्रेंड शशि थरूर जी, मे यू बी ब्लेस्ड विद सुपर्ब हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, व्हाइल योर डीड्स एंड वर्ड्स ऑफ विजडम हैव इंस्पायर्ड सो, इतनी सारी इंग्लिश लिखी है, इंस्पायर्ड सो मेनी योर इरुडिश हैं। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। आपने एजुकेशन की जगह जो एरुडिशन लिखा है, ये आप पहले से जानते थे या शशि थरूर जी को दिखाने के लिए डिक्शनरी में से लिया है? राजकर, इसका मतलब क्या आता है एरुडिशन? मुझे नहीं पता भाजी, इनको पता होगा ये सब। जो क्या मतलब होता है, सबसे पढ़ी लिखी ये सबसे पढ़ी हमारी दीदी है। दीदी बताइए। बट एरुडिशन इज समबडी हुज एरुडेट, हुज बहुत ज्यादा नॉलेज हो, मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में। दैट इज एरुडिशन। तो आपको ये नॉलेज कैसे थी इस वर्ड के बारे में? पढ़ी लिखी हूं। सिर्फ राज बब्बर साहब की पकड़ में आए हैं, बाकी सब थरूर साहब की इंग्लिश से डर के दूर खड़े हैं। और दिखाइए। शशि सर पूछ रहे हैं कि ये एक्टर लोग पेट कैसे कम कर लेते हैं। आगे उनको किसी ने रिप्लाई किया, राज सर बता रहे हैं आप दो बटन खोल के देखिए, आराम मिलेगा। और दिखाइए। जूही ने फोटो डाला है, डॉट डॉट, करवा चौथ के दिन भी वर्कआउट और फोटो के बहाने से माय डार्लिंग ट्रेनर एक्स ब्रदर कैप्ट, आपकी भी इंग्लिश बहुत खतरनाक है, एक्सटेंडिंग द प्लान। तो नाम है भाई, एक्चुअली ही इज राइट हियर, ही इज माय ब्रदर ट्रेनर, डोंट नो।
क्यों ऐसे काम कराते हो जो ऐसी इंग्लिश लिखती हैं फिर बाद में शो में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। योगा भले कैसा ही करे लड़कियां, फोटो के लिए पोज हमेशा अच्छा ही देती हैं। आप अच्छे से बाल बांध कर योगा कर रही हैं, मेरी बीवी बाल खोल के करती है तो बाबा रामदेव लगती है। मेरी पत्नी ने भी अपने लिए ऐसा मैट खरीदा था लेकिन अब योगा मुझसे करवाती है। और दिखाइए, आर्य ने फोटो डाली है। ओहो, इतना सीरियस? हाँ। सर क्या सोच रहे हो यार? सर मुझे लगता है सिर्फ पोज मार रहा था, सोच रहा था फोटो का खत्म हो गया। इस मंडे ए लॉन्ग टू डू लिस्ट, सेंड सम मोटिवेशन यू गाइस। आइए कमेंट्स देखते हैं। मैं भी सामने शेक्सपियर की बुक रख के लैपटॉप पे लूडो खेलने लगता हूँ। किसी ने लिखा, सर मोटिवेशन तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास मोटिवेशन बहुत है, बस थोड़े पैसों की कमी है, क्या आप मुझे पैसे भेज सकते हैं? और दिखाइए, टेबल पर जो बुक रखी है उस पर अनुपम खेर की फोटो लगी है। हाँ यार। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई वो शेक्सपियर की फोटो है। फिर रिप्लाई किया, वो कौन सा शेक्सपियर से कम है। वीडियो कॉल पे जरूर इनकी बीवी है तभी हाथ जोड़ रखे हैं। है? Happy anniversary. Happy anniversary. और दिखाइए, यू नो हाउ वी डू जी सर, बट आई डोंट नो बैंग ऑन पर फोटो बड़ी स्टाइलिश है। वाओ प्रतीक जी सर। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। अगर आपने कोट की सिलाई पे डिस्काउंट नहीं मांगा होता तो टेलर आपको पूरा कोट देता। मानना पड़ेगा लड़कियों को टक्कर आपने दी है, अंगूठियां भी पहनी है, नेल पॉलिश भी लगाई है, टैटू भी बनाया है और कोट भी ब्लाउज जैसा पहना है। रिप्लाई किसी ने किया, लगता है हाथ में मेहंदी भी लगी है इसलिए चश्मा ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। और आगे देखते हैं, आप पोज बनाते रह गए और कोई आपके कोट की दोनों जेब काट के ले गया। और दिखाइए, ओहो राज सर और धर्म पाजी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, विशिंग द मोस्ट लव्ड एंड सेलिब्रेटेड आपका धर्म जी, वेरी हैप्पी बर्थडे, वाओ नाइस पिक्चर पाजी। आइए देखते हैं कमेंट्स। दोनों भले ही अलग अलग पार्टी से रहे हों लेकिन शाम की पार्टी में दोनों का गठबंधन हो ही जाता है। लगता है दोनों फिल्म में अपना अपना डांस देखकर हंस रहे हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। गुड वन। और दिखाइए, इनकी स्माइल से ऐसा लग रहा है फिल्म में अभी जयप्रदा की एंट्री हुई है। रिप्लाई में क्या है, और धर्म जी इसलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने 3D चश्मा लगाया है, उन्हें हीरोइन और नजदीक नजर आ रही है। ओ यार मेरे यहाँ दर्द हो गया। ओहो और दिखाइए, लो जी जूही का फोटो आया है विद सो मच इंग्लिश। उफ, किस किस को हैप्पी फ्रेंडशिप डे का मैसेज सेंड करूं? कोई रह गया तो? नए दोस्त, पुराने दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, वर्क फ्रेंड, पड़ोसी, थिएटर फैमिली, फ्रेंड्स, लिस्ट इज एंडलेस। सो ही इज विशिंग ऑल ऑफ यू मेंशन्ड अबव एंड माय इंस्टा फैमिली वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थोड़ा सा आप और लिख दी थी ना तो इसके ऊपर बायोपिक बन सकती थी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एक बार 2 लाख उधार मांग के देखो, पता चल जाएगा कितने फ्रेंड्स हैं। बहुत सही लिखा वैसे। जब मैं बाथरूम में होता हूँ मेरी वाइफ भी ऐसे ही मेरे मैसेज चेक करती है। सबके अपने अपने दुखड़े हैं देखो आप। और दिखाइए, 10 सेल्फी लेने के बाद सोचते हुए कौन सी फोटो पोस्ट करूं। और दिखाइए, ये जूही आपने तो नहीं बांधा इसको? मैंने देखी भी नहीं ये फोटो। कई बार भी नहीं देखी यार। आज का इंसान बंदा हुआ भी विक्ट्री वाला साइन बना रहा है। वेरी नाइस। आइए देखते हैं कमेंट्स। अच्छा, आई हैव नॉट सीन दिस फोटो। मैंने भी नहीं देखी यार। रस्सी से बंधे हैं फिर भी उंगलियों से विक्ट्री का साइन बना के टशन दिखा रहे हैं। रिप्लाई किसी ने लिखा, नहीं ये बोल रहे हैं कम से कम 2 करोड़ मांगना।
जो बच्चे टाइम पे हेयर कट नहीं कराते उनके माँ बाप ऐसे ही बांध के कर देते हैं। और दिखाइए कमेंट्स। ये पहला केस होगा जहां किडनैपर घर वालों को फोन करके कहेगा पैसे हमसे ले लो अपना बच्चा ले जाओ। और दिखाइए। प्रतीक ने फोटो डाला है हैशटैग लंदन हैशटैग डंप। ये आपको डंप कर गया कोई बाहर क्या हुआ? प्रतीक ये क्या क्या कर रहे हैं आप? सर मैं कांप रहा हूँ ठंड से, शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। आइए कमेंट देखते हैं नीचे। इसीलिए कहते हैं होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना चाहिए वरना बंदा ऐसे ही रजाई ओढ़ के पार्क में बैठा रहता है। ये ट्रेन से चद्दर ले आए, लगता है इन्होंने पढ़ लिया था रेलवे आपकी संपत्ति है। इनकी आंख क्या लग गई, कोई समाज सेवी ने कंबल उड़ा गया। और दिखाइए। मैं भी एक बार जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था, एकदम से उसके पिताजी आ गए, तब मुझे भी ऐसे ही भागना पड़ा था। सही है। और दिखाइए। खत्म यार, इतना मजा आ रहा था। राज सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रोड्यूसर ने आपको पेमेंट रोक लिया हो, फिर जब आप पॉलिटिशियन बन गए हो और फिर वो लेके आया, अरे सर स्किप कर गया था दिमाग से, ये आपके पैसे हैं, इंटरेस्ट के साथ, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? मैं जब ये सोशल लाइफ में चला गया तो इनसे जो पैसे लेने थे उन्होंने देना भी बंद कर दिया। हैं? उनको लगा कि अब राजी को भी पैसों की क्या जरूरत होगी। बड़ा गलत इंप्रेशन है ना कि पॉलिटिशियंस का, कि एक बार पॉलिटिक्स में चले गए तो फिर तो आपके 100-500 करोड़ रुपए के तो आदमी बन ही जाते। तो हमारा क्या हुआ, मैं जैसा आदमी ना घर का रहा ना घाट का, यहाँ से पेमेंट नहीं मिली और वहां कुछ कमाया नहीं। इन्होंने अभी बोला ना कुछ कमाया नहीं पॉलिटिक्स में, इन्होंने जो कमाया पॉलिटिक्स में वो यही है, बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार। क्या बात, वाह, दैट्स अ फैक्ट। पापा अक्सर इतने रहम दिल हैं, प्रोड्यूसर आके बस इतना बोलता था पाजी क्या मतलब सर, पापा बोलते थे कोई बात नहीं रहने दे। अक्सर ऐसे ही पैसे छोड़ देते थे। नहीं पैसे छोड़ता नहीं था, बल्कि उनकी दुआएं थी जो मैं ले लेता था। क्या बात, चलो, और जिसकी वजह से आज तक चल रहा। वो बात दूसरी है, जिसके लिए आपने कुछ पैसे ना लिए हो, फ्री में फिल्म की हो, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी वापस आपके पास नहीं आता। हाँ, कर रहे। ये बात मैंने बड़े नसीहत मैंने ली। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं वो फिल्म हिट हो गई, हाँ। तब तो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, तो इसलिए काहे को ज्यादा सोचना। खाने पीने को मिल गया, चलने को गाड़ी मिल गई, रहने को घर मिल गया। क्या बात। मैंने और भी राज सर की जितनी फिल्में देखी है ना, मतलब उनमें मैंने देखा है कि डांस से ना राज सर की ज्यादा मोहब्बत थी नहीं। पीछे बैकग्राउंड डांसर नाच रहे हैं और राज सर गाने के नाम पे सिर्फ गाना गाते थे और डांस के नाम पे 2-4 बार जेब में हाथ डाल लिए, 2-4 बार निकाल लिए। राज सर आप कभी फंसे हो जिसमें कोरियोग्राफर ने हाथ ही जोड़ दिए हो कि सर मैं फिर निकलता हूँ, आप देख लो, कभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे? फिल्म थी हम 5। अच्छा जी, बोनी कपूर साहब की पहली फिल्म थी, उसमें एक से एक बड़ा डांसर, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर। गुलशन ग्रोवर, उदय चंद्रा और एक बेकार डांसर था मिथुन चक्रवर्ती। उसको जो मूवमेंट बताओ वो कर लेता था। तो हम सब उससे दुखी हो गए थे। हमने अपना एक सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट ने तय किया कि इस बार हम, और उस वक्त बड़े स्टार डांस डायरेक्टर हुआ करते थे कमल मास्टर जी। कमल मास्टर, मतलब कमल मास्टर जी लाइक बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, वो स्ट्रिक्ट भी थे और वो नीचे से गालियां भी दिया करते थे। मतलब गाली छोटी मोटी थी, भरी भर का गाली, बड़े आर्टिस्ट है तो बड़ी गाली, बड़ी वाली गालियां आया करती थी नीचे से। तो हमने तो डांस नहीं करना था, तो उसका तरीका क्या निकाला जाए। तो ये तय हुआ, सिंडिकेट ने तय किया कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से नीचे से गालियां आएंगी और इतने क्राउड में गालियां आएंगी तो हम लड़ जाएंगे।
तो ऐसा ही हुआ। हम लोग जो है अब जो वो मूवमेंट बता रहे थे तो एक आदमी जो बेचारा फ्री बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था उसके पास, जिसका नाम मिठिन चक्रवर्ती था वो अपने आप को समझ ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्टार है। हाँ। वो हमसे बड़ा स्टार था लेकिन अपने आप को नहीं समझ रहा था। वो सारी मूवमेंट करने पर राजी हो गया वो करता रहा और हम ना करें। अच्छा। तो नीचे से फिर आवाज आई, पहले तो आवाज आई कट 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 कट, उसके बाद में फिर कहा, तो फिर हमने किया तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया सबने, तो नीचे से भारी भरकम सी आई और हम खड़े हो गए। अच्छा। और हम खड़े होके उल्टे चल दिए। उल्टे चल दिए तो बोनी कपूर भागता हुआ आया। पुअर बोनी। फिर हमारी दोस्ती हुई। अच्छा जी। और दोस्ती ऐसी हुई कि उसमें ये हुआ कि भाई ठीक है, इनके आसपास जितना भी क्राउड है, जैसा भी कपिल ने बताया, कपिल जी ने, कि तमाम लोग पीछे आगे पीछे हो जाते थे और हम जो थे उसमें हाथ वाला कुछ मूवमेंट कर लेते थे ये कर लिया मतलब हम हाथों को नहीं छोड़ते थे। अच्छा। इतना हमने कंसंट्रेट किया और बहुत ही शिद्दत के साथ में हाथ के मूवमेंट, कि शायद मिठुन के हाथ नहीं आए होंगे जितने हमारे अच्छे हाथ आए। और शॉट ओके हो गए। हाँ। रात को बैठने के बाद हमने उनसे माफी वाफी मांगी, हमने कहा सर सॉरी सर गलती हो गई, हम लोगों ने तय किया था। हाँ। कि हमसे डांस तो होगा नहीं, तो इसलिए थैंक यू सो मच सर, आइंदा भी अब ऐसी शॉट लीजिए। लेकिन एक फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन, आई वाज जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू, डिंपल आंटी के साथ। हाँ, डिंपल जी के साथ में। उसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि राज मैं तुझसे डांस करवाऊंगा। नहीं करवाऊंगा, कमल जी ने। कमल जी। अच्छा। तो मैंने कहा जी कैसे करवाओगे? और आप यकीन मानिए मैंने उनको एक किस्सा सुनाया ड्रामा स्कूल का, नेशनल ऑफ ड्रामा से मैंने ट्रेनिंग की है जी। तो हाँ हमारा एक पीरियड म्यूजिक का भी होता था और मोहन उप्रेती जी बड़े म्यूजिक के प्रकांड पंडित थे, तो वो हमें म्यूजिक सिखाया करते थे। अच्छा जी। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सबको, तो मेरा सेकंड ईयर का इम्तिहान था तो म्यूजिक, तो उन्होंने सरगम सिखाई, सारे गामा पा 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 शब्द को होता सब, तो सिखाई सरगम, तो बैठे उनको उम्मीद थी कि राज बब्बर जो है बिल्कुल सरगम सही गाएगा, तो दबा रहे तो मैं वो दबा रहे तो मैं अब वो यहाँ दबा रहे हैं तो मैं वहाँ गा रहा हूँ, वो वहाँ दबा रहे हैं तो मैं यहाँ, तो बेचारे मेरे वो सुर को ढूंढते रहे तो वो गाऊंगा तो मैंने कमल जी को बताया। हाँ। मैंने कमल जी एक मास्टर थे मोहन उप्रेती जी। हाँ। प्रकांड पंडित थे। हाँ। म्यूजिक के। हाँ। वो सुर ना ढूंढ पाए मेरा। तो आप क्या करेंगे? हाँ। बोले बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा अच्छा। हम रात को कभी भी शाम को बैठ भी जाते थे। हाँ। तो बैठ जाते थे तो वो बैठक जो होती थी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। हाँ। उसमें दोस्ती भी हो गई। हुँ। समझ भी हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे बदला लिया और इस फिल्म में मुझे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाई। अच्छा। इसने तो वो अपना कोट पहना था, वो ऐसे पहना था ना। हाँ। मैंने वो लुंगी ऐसे पहनी। जैसे प्रेमनाथ जी ने पहना था। जी जी जी। बॉबी में ट्रायंगल होता है, वो आगे ही आगे होता है, पीछे नहीं। पीछे कुछ अब उन्होंने घुटनों पे मुझसे चक्कर करवाया। पहले तो करके बताया उसके ऐसे जो उनका असिस्टेंट था, मुझसे कहा कि बेटा करो। मैंने कहा क्या हो गया, आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। हाँ। हम तो रात को 3 दिन से लगातार एक साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो आपने दोस्ती का सिला ये दिया। लेकिन उन्होंने करवाया। अच्छा जी। और पता नहीं डिंपल की किस्मत। हाँ। या राजकुमार कोहली साहब की तकदीर। हाँ। या कमल मास्टर की उस्तादी। हाँ। वो शॉट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। पर आपने जानबूझ के नहीं किया ना, ऐसी गलती आज भी नहीं करूंगा। और कपिल,
मेरी लाइफ का करियर का पहला शॉट जो मैंने दिया है, गेस किसके साथ दिया है? किसके साथ दिया? राज जी के साथ। अरे प्लीज। राज जी रियली? फिल्म निकाह में तो आप उसमें गुलाम अली साहब बनी थी क्या? सॉरी सॉरी जी। तो उसमें बीआर साहब थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, रवि चोपड़ा में हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, यू नो लाइक एन ऑडिशन काइंड, तो इसमें एक सीन कर लो। तो उसमें एक सीन था, राज्य आपको याद भी नहीं होगा शायद, कि एक छोटा सा एक दुकान होती है, उसमें आप ताजमहल खरीदने जाते हैं सलमा जी के लिए, एंड मैं वो सेल्स गर्ल थी पीछे, और दो ही लाइनें थी और मैं दो लाइनें लर्न कर रही थी, मैं इस तरह से बोलूँ कि मैं उस तरह से बोलूँ, दो ही लाइनें थी, और पहला शॉट जो मेरे सामने जब क्लैप आया वो आपके साथ। वाह, मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे याद है आपका चेहरा भी, और याद है कि जब आपने किया। यार हर बार अर्चना जी कोई ना कोई मेहमान आते हैं, हाँ। आपका कोई ना कोई ऐसा किस्सा निकलता है, मुझे कभी कभी लगता है आपने 80s में शुरुआत की, फिर 70s में। वो 80s ही था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता, अंग्रेज भी जाते जाते देखे आपने। वाह वाह अर्चना जी, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा जैसे आज यहाँ पे बब्बर फैमिली मौजूद है, मैं अपने मेहमानों से जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि जैसे ये मिलजुल के रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहने का मजा है या जॉइंट फैमिली में? आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब, आप तो जूही जी के साथ ही आए ना? अच्छा ये अलग है। हेलो जी भाई साहब, क्या हाल है? नमस्ते जी। बढ़िया। क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम दीपक है और मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत दीपक। तो मैं सपोर्ट करता हूँ जॉइंट फैमिली को, क्योंकि तीन सिचुएशंस में मैं रह के देखा हूँ, जैसा कि लाइक मेरा बचपन है वो पूरा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहा है। मेरे दादाजी बहुत सही थे, उनके लाइक 8-9 बच्चे हुए। सही थे मतलब? और लाइक बहुत बड़ा, लाइक उनके भी फिर और फैमिलीज है, तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली में मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो अच्छा मेरे को यहाँ बॉम्बे भेज दिया, फिर मैं यहाँ पे एकदम ही अकेला हो गया, मतलब सिंगल हो गया। अच्छा, तो फिर मैं जैसे 21 साल का हुआ ऐसे अकेलापन थोड़ा खाने लगा, तो मैंने कर ली शादी। अगले साल बच्चा भी हो गया। तो मैं 21 साल की उम्र में शादी, 22 की उम्र में आप पापा बन गए। हाँ, तो अभी ना ऐसा सीन, अभी कितने साल के हैं आप? अभी 23 का हूँ। 23 के हो आप, अभी भी आप लगे मतलब। तो फिर ना लाइक अभी मेरा एक छोटा सा खुद का फैमिली है, और लाइक मैं उस बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में, लेकिन पता है जॉइंट फैमिली में रहने का एक फायदा है कि लाइक वहां पे आप बोर नहीं होते हो। हाँ। बहुत ना कुछ ड्रामा चलता ही रहता है। नहीं, बोर तो मुझे लगता है आप सिंगल फैमिली में भी नहीं हुए, अगले साल ही आपने रिजल्ट दे दिया। और सर मेरी पूरी फैमिली सर आपको लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो से आपको सर देखता है। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आप यहाँ अकेले हैं, वाइफ के साथ आए? नहीं, अभी वो उसको शादी में भेज के मैं यहाँ पे आया। किसकी शादी? राजस्थान गई है। अच्छा अच्छा, फिर आप अकेले हो गए आज। हाँ, तो लाइक वैरायटी चलनी चाहिए ना ऐसे लाइफ में, लाइक फैमिली वाइफ। बट पीछे कोई बोल रही महिला आपके लिए, आपके साथ आई है? नहीं। तो आप इनको जानती कि इनके दादाजी को? मेरे दादाजी बहुत फेमस थे ऐसा। हाँ जी? हो सकता है मेरे दादाजी बहुत फेमस थे, लाइक फेमस तो होंगे यार, जिनके 9 बच्चे हैं फेमस तो। शुक्रिया ब्रदर आपका हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर। जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, मेरा नाम दलपत कुमार है। मैं दलपत कुमार, लगभग कुमार। दलपत कुमार सर। दलपत? यस दलपत, यार बड़ा यूनिक नेम है आपका। दलपत, दलपत इसका मतलब क्या होता है? दलपत रास्ता दिखाने वाला। अच्छा। तो जब तक आप रास्ता नहीं दिखाते लोग नहीं जाते वहाँ। दलपत कहाँ से आए आप? सर मैं जालोर राजस्थान से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है दलपत जी आपका।
जैसा कि सर आपने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली में मजा आता है, तो सर न्यूक्लियर फैमिली के है, बट जॉइंट फैमिली में हम लोग कम से कम 20 से 22 जन साथ में रहते हैं गांव में। एक घर में 22 लोग रहते हैं? यस यस सर, 22 से भी ज्यादा है सर। 22 से भी ज्यादा है? यस। तो उसको जिला घोषित करो। जी दलपत जी, फिर? तो सर हम लोग सब खाना मिलकर खाते हैं, प्यार से खाते हैं, लेकिन उसमें सर प्रॉब्लम ये आती है कि हम यंगर को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या? क्योंकि सर वो तो प्यार से रहते हैं, हम लोग को प्यार करने को नहीं मिलता। कौन वो? आप शादीशुदा है? नहीं, मैं सिंगल हूँ सर। तो सिंगल किससे प्यार करोगे? सर लोगों को रास्ता दिखाते हो, खुद भटके हुए। अच्छा बताइए जरा, थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या दिक्कत आती है? जैसे सर हमारे उधर रीति रिवाज है कि हम बाइक के पीछे किसी लड़की को बिठा नहीं सकते। रीति रिवाज है ये? हाँ ये क्या रीति रिवाज? क्यों नहीं, अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। लड़कियां कहाँ बैठती? पेट्रोल वाली टंकी पे। मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, उसको नहीं बिठा सकते, अपनी बीवी को तो बिठा सकते हैं। अपनी बीवी को, अपनी बहन, अपनी, इतना अलाउड है ना? यस। तो सर एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने गांव से जा रहा था, मैं तो एक लड़की ने मेरे को बोला कि मेरे को ड्रॉप कर दोगे? मैं ठहरा सर आपका फैन, मैंने सर गाड़ी के पीछे मेरा नाम क्या बीच में? मैं क्या लोगों को लिफ्ट देता फिर रहा हूँ बाहर? अच्छी बात है किसी की मदद करना। फिर फिर आपने रास्ता भी दिखा सकते थे चाहते तो आप, और आपने बिठाया मोटरसाइकिल पे सर उनको मेरे, उस समय आपका दलपत काम गया था। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सर, मैंने उनको बाइक के पीछे बिठाया। हाँ। मैं जैसे ही उनको ड्रॉप करने जा रहा था तो मेरे अंकल ने मेरे को देख लिया। हाँ। अंकल ने जैसे ही मेरे को देखा पापा को फोन कर दिया। मैं उनको ड्रॉप करके गया घर पे, पापा बोले बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोला इधर ही आजू बाजू घूम रहा था। पापा बोले बैठो बाइक के पीछे। मेरे को बाइक के पीछे बिठाया, जिधर जिधर मैंने लड़की को घुमाया मेरे को उधर उधर घुमाया, घर पे लाए, दो थप्पड़ मारे जोर से। नहीं आप पे गुस्सा था कि पापा को इस बात का गुस्सा था कि वो लड़की मिल नहीं रही? दोबारा फिर सर मेरे को दो थप्पड़ मारे, फिर मेरे को बोला आज के बाद किसी लड़की को पीछे मत बिठाना। मैं बोला ठीक है। तो सर वैसा रहता है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो चाचा दूर रहते, पापा दूर रहते, तो हम अपना एंजॉय करते। बाकी सब में आपने कहा कि जॉइंट फैमिली का ये फायदा प्यार से रहते सब कुछ, खाली एक लिफ्ट अगर आपने दे दी उस चक्कर में आप कहते कि न्यूक्लियर अच्छी है ना? दलपत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर? जी जी, पीली मोहतरमा, आई मीन पीले सूट में, इनको माइक। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? क्या हाल है जी? जी मेरा नाम मल्लिका राम क्षत्रिय है और मैं मुंबई कांदिवली से आ रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी आपका। या कपिल, मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिलीज भी अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली के भी अपने अपने फायदे हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि रोमांटिक अगर कुछ माहौल रहेगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों घूम घूम कर मैनेज करना होता पूरे घर में? आपने अपना अपना कमरा पकड़ लो। अच्छा किस तरीके से आती प्रॉब्लम? एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि मुझे मोगरे के गजरे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे शाम को ऑफिस से आते हुए। मोगरे के गजरे, साथ में पान भी खाया हुआ था उन्होंने? अच्छा तो वो लेकर आए, लेकिन जब वो पहनाने के लिए आए ना तो या तो मेरी मदर इन लॉ कुछ काम से आ रही है, या तो फादर इन लॉ को कोई चीज चाहिए तो वो बीच में आ रहे हैं, या तो सिस्टर इन लॉ आ जाती थी, तो वो लास्ट में वो शाम को लेकर आए थे, रात को 12 बजे उन्होंने पहनाया बाद में। So sad. पर गजरा तो पहना ही सकते थे, आपके सास ससुर को पता ही होगा आप दोनों का क्या रिलेशन है। लेकिन वो एक शर्म रहती है ना उनके सामने, हम कैसे ऐसे। शुक्रिया मल्लिका जी, आपने अपने विचार पेश किए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल, हाय एवरीवन, आई एम सविता सचदेवा, मैं नवी मुंबई सीवुड से आई हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत। जैसे आपने अभी बताया कि न्यूक्लियर या ज्वाइंट, तो मेरे हिसाब से भी ज्वाइंट फैमिली की अपने मजे हैं, स्ट्रेस है ही नहीं लाइफ में, कोई बच्चा हो कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, ऐसे ही बड़ा हो जाता है। एक्चुअली जब तक वापस आता है ना माँ बाप के 6 महीने का हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी पति से झगड़ा हो जाए तो सास की पार्टी में, सास से झगड़ा हो जाए तो पति की पार्टी में, तो मतलब स्ट्रेस कहीं ना कहीं बांटने का मौका आपको मिल ही जाता है। आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं अभी भी? हाँ मैं जॉइंट फैमिली में थी, अभी जस्ट न्यूक्लियर में शिफ्ट हुई हूँ, बॉम्बे आई हूँ, तो बाकी वो पीड़ा मेरे पति को ज्यादा है। अच्छा जी, क्यों मतलब मिस करते हैं फैमिली को? हाँ वो यही बताएंगे।
Hello, Kapil. Hello, everyone. Hello, जी. So, I'm Vikram Sachdeva. Hello, Vikram ji. Welcome. तो मैं भी इन्हीं के साथ सी वोट्स में ही रहता हूँ नवी मुंबई. तो जॉइंट से जब न्यूक्लियर हुए बॉम्बे आए काम के सिलसिले में तो सब सही चल रहा था. बस ये कोविड जब से आया उसके बाद से जो हालत हमारी हुई है जो बर्तन दग रहे हैं हमने जो पोंछे लगाए घरों में सब सबका यही हाल था. यही अब क्या बताए मतलब उसके बाद तो ऐसा हाल हो गया कि बस वापस ज्वाइंट फैमिली में दोबारा जाने का मन करता है. पर फिर गजरा वगैरह लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. शुक्रिया. अच्छा जूही जो है ये बच्चों को थिएटर भी कराती हैं और चैलेंजेस भी बड़े आते होंगे आई एम श्योर. जूही जब आप बच्चों को रोल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कोई ऐसे भी आते होंगे कि यार गुप्ता जी के बच्चे को आपने बादशाह बना दिया मेरा बच्चा बकरी बन के घूम रहा है तो वो क्या घास चरने आया. ऐसे ऐसे आपको कंप्लेंट्स आती हैं कभी. नहीं आती हैं. अच्छा जी. बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट आई मीन एज अ टीचर ऑल्सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. अच्छा जी. तो मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ कि भाई जैसे कि मैं आपको नहीं कहती हूँ कि बच्चे के टिफिन में क्या पैक करना है. हाँ. या बच्चे को क्या आप खिला रहे हो पिला रहे हो घर पे. आप मेरे काम की जगह पे आके मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है. इट्स वेरी क्लियर. मैंने बल्कि एक प्ले किया था जिसमें 500 बच्चे मैंने स्टेज पे डाले. अच्छा वाह. सो दैट वाज डन एक्सट्रीमली वेल. मतलब इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस. और हाल ही में मैंने एक प्ले लिखा है डायरेक्ट किया जिसमें एक्ट भी करती हूँ जिसका नाम है विद लव आपकी सैयारा. अगले ही हफ्ते उसके 50 शोज होने वाले हैं. क्या बात है. क्या बात है. आज यहाँ पे बहुत से आपके दोस्त भी आए हैं थिएटर से. जी मेरा इनफैक्ट सैयारा का ही पूरा टीम वहाँ बैठा है. एंड आई मस्ट टेल यू सब मल्टी टैलेंटेड है. कोई म्यूजिशियन भी है कोई रैपर है कोई डांसर है कोई. राज जो बैठे हैं येलो में he runs a school in his family aditya academy high school and junior college. ek ek bande se kafi kafi kaam karati training bhi aapko ye dete and bahut acha kaam karte hain log. kapil ji they work the school is for underprivileged children. aur main bhi support karti hu balki hamare 50ve show ka jo collection hai usse hum ek bachchi ko sponsor karne wale hain. hamari humne kya baat. zordar taaliyan ho jaye ek bar babbar family ke liye. राजपाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और मेकिंग दिस इवनिंग वेरी स्पेशल. थैंक यू. और ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए. गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ अकार. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.